ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। नगर पालिका खलीलाबाद के विकास कार्यों में हो रही धांधली, विकास कार्यों के पैसों में हो रहा बंदरबाद। नगर पालिका खलीलाबाद में हो रहे निरंतर घोटाले को लेकर सभासदों ने चेयरमैन व ईओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नाराज सभासदों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर नगर पालिका में विकास कार्यों के नाम पर आए लाखों रूपये का बंदरबाद की शिकायत की। आपको बता दें कि पूरा मामला यूपी के संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद नगर पालिका का है, जहां सभासदों ने चेयरमैन व ईओ बीना सिंह के खिलाफ लाखों रुपए गमन करने का आरोप लगाया है। सभासदों ने जिला अधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि नगर पालिका में जितने भी कार्य पूर्व में 14वें वित्त आयोग से कराए गए हैं, उन्हीं कार्यों को 15वें वित्त आयोग में टेंडर कर लाखों रुपए का घोटाला किया जा रहा है। जिन नालियों का निर्माण पूर्व में कराया गया है, उससे हल्का मरम्मत कराकर नई नाली निर्माण बताकर भुगतान करवा लिया जा रहा है। सभासदों ने यहां तक कह दिया कि कुछ कार्य ऐसे हैं जो पूरे हो चुके हैं, उन कार्यों का नए तरीके से टेंडर निकालकर सरकारी धन का बंदरबाट करने की योजना चेयरमैन व ईओ बीना सिंह कर रहे हैं। इसके पहले भी नगर पालिका में गलत जगह गलत तरीके से टेंडर पास किए जाने की खबर, नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार को पूरी प्राथमिकता से खबर में दिखाया गया, तब जाके सभासदों ने सुध ली और जिलाधिकारी को पत्र देकर नगर पालिका द्वारा किए गए टेंडर और कार्यों की जांच कराने की मांग की, जिससे चेयरमैन का घोटाला सामने आ सके। और वही पूरे मामले पर जिलाधिकारी रमेश गुप्ता ने संज्ञान लेते हुए कहा कि अपर जिलाधिकारी की जांच को निर्देशित किया जाए और कहा नगर जांच में कमियां पाई जाने पर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। प्राइम न्यूज 24 के लिए संत कबीर नगर से रवि प्रजापति की रिपोर्ट। क्या भ्रष्टाचार वर्तमान समय में हो रहा है, कई जगहों पर पहले से कम हो चुका है, काम होने के बाद दोबारा टेंडर उसी काम का निकाला जा रहा है जबकि वो काम पहले ही हो चुका है। इसकी जानकारी हम सभासदों को हुई, हम लोगों ने कहा कि ये तो गलत हो रहा है, सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसलिए हम लोग जिलाधिकारी महोदय से शिकायत करने के लिए यहां पर आए हुए हैं। उनके पास यही आए कि उसको चल के तुरंत साइट देखें, उसकी जांच हो, वो काम अगर पहले से हो गया है तो उस पर टेंडर नहीं होना चाहिए। और हमारे यहां बरदैया वार्ड में एक ऐसा टेंडर ये लोग डाले हैं कि मतलब मेन रोड से रेलवे लाइन उसकी दूरी महज 200 मीटर है, अब किनारे किनारे की जो पटरी होती है 1 मीटर इधर है 1 मीटर इधर है, उस काम का टेंडर हुआ है 23 लाख का, 200 मीटर में 23 लाख का पैसा खर्चा हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके कई कामें हैं कि जो उसमें हम लोग से बगैर राय लिए हुए ये जो है। क्या मानते हैं ये घोटाला कौन कर रहा है? ये घोटाला जो है टोटल नगर पालिका जो है चेयरमैन साहब के इशारे पर चलती है, उन्हीं का ही मतलब इसमें जो है जैसा आप लोग चाहते हैं वैसा नहीं हुआ।